अनन्त दर्शकवृन्द, आज जुन पञ्च चुनाउलाई लिएर जुन पहाडको सम्पूर्ण विपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई लिएर सांसद राजविष्टको पहलमा भनौँ भारतीय जनता पार्टीको पहलमा जुन सर्वदलीय एउटा बैठक सम्पन्न भएको थियो त्यो लगभग अब समाप्त भइसकेको छ र केही समय अगाडि मात्र अजय एडवर्ड्स अनि विमल गुरुङले पनि सांसद राजविष्टसँग वर्तनामा वार्तालाप गरिसकेका छन् र अझ एडवर्ड्स केही समय अघि नै निस्किसकेको थियो भने विमल गुरुङ केही ढिलो गरेर बाहिर निस्केको थियो र विमल गुरुङले बाहिर आएपछि पत्रकारहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सम्बोधन गरेन र सांसद राजविष्टसँग विमल गुरुङ अनि अझ एडवर्ड्ससँग भएको बैठकबारे जानकारी लिन चाहँदा भोलि दार्जिलिङबाट कुनै महत्त्वपूर्ण ग्राम पञ्चायत चुनाउलाई लिएर गठबन्धनको कुनै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा हुन सक्ने उहाँले बयान जारी गर्नुभएको छ र सम्भवतः यो घोषणा दार्जिलिङबाट नै हुनसक्ने सांसद राजविष्टको भनाइरहेको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालिको जुन ग्राम पञ्चायत चुनाउ छ यसमा सम्पूर्ण पहाडको विपक्षी राजनीतिक दलहरूको एउटा गठबन्धन दल तयार हुने सम्भावना व्यापक रूपमा रहेको छ। सांसद राजविष्टले आजको सम्पूर्ण बैठकबारे सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेपछि पत्रकारहरूले के कस्तो प्रकारले सम्बोधन गरेछ आउनुहोस् सुन्नुहोस्। स्वाभाविक रूपसे क्योंकि हम सब लोग राजनीतिमा हैं और अभी भी हाल ही में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है तो उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और खुल के चर्चा हुई। जो बात मैं दिन में आपको बताई थी मैं उसी बात को दोबारा दोहराता हूँ। हमारा अलायंस पार्टी और हो सकता है इसमें और परिवार और शायद बड़ा हो मिल करके हमारा ये कमिटमेंट है जनता से कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन आपको देंगे और उसके लिए बाकी जो पार्टी के अंदर में छोटी छोटी अन्य मन भेद या मतभेद जो भी हो उसको किनारे रख करके हम लोग जनता की हितों की रक्षा के लिए सामूहिकता से जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। ऐसा सभी विषय वस्तु पे दोपहर में भी बात हुआ था अभी भी बात हुई है लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी बहुत सारी पार्टियाँ इन्वॉल्व है बहुत सारे नेता इन्वॉल्व है नेताओं के काडर इन्वॉल्व है इतना ही नहीं सामान्य कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व है इसीलिए कल किसी समय हम सब लोग मिल करके एकत्रित होकर के एक ही मन से जो निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा। अभी के लिए बाजार के अंदर में जो भी चलता रहेगा उसमें मनोरंजन सबको होगा आप भी कर रहे हो सो मेरा इतना ही कहना है और जो है जो फाइनल निर्णय होगा वो कल तक होगा लेकिन परिवार में विस्तार होगा ये बात तय है। सर कल किस मंच से आप लोग ये कहेंगे? सर देखिए कल जो भी मंच होगा वो पंचायत चुनाव के लिए वो मंच बनेगा और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक मंच पे एक छत के नीचे आए और एक ही उद्देश्य होगा। टीएमसी ने भी ठगा है और जिनके नेतृत्व में आज जो है सो कॉल्ड दार्जिलिंग का विकास हो रहा है उन्होंने भी जनता को ठगा है। जनता को चाहिए एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त शासन क्योंकि पंचायत से ही जो अभी तक हमको ठगा गया दार्जिलिंग की गरिमा को दोबारा पुनः स्थापित करने का ये एक मौका है उस रूप में हम देखते हैं और एक सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के हित में जो है उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा मैं करूँगा। भोलि हमी भेटघाट कर अब प्रेस रिलिज गर्ने छौँ होइन म एउटा काम पऱ्यो या म फेरि अब पन्जाबी पाडा जानु छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो इमर्जेन्सी काम पऱ्यो भोलि हामी गर्छौँ ल। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट ऑफिस आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, First Floor, Metro Heights, Savok Road, Siliguri. Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम
आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।